फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो आज मैं पपी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ टॉय कॉम। जी हाँ, आज टॉय कॉम के साथ हम एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं, वो रहेगी टिक्स के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि पपीज को टिक्स और फ्रीज हो जाते हैं, आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन समस्या है टिक्स की। तो आज इसी का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने टिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, एक टिक्स एक बहुत ही कॉमन एक समस्या है डॉग्स की। तो ज्यादातर ये डॉग्स को गर्मियों में होते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, इनको स्वेट ज्यादा होते हैं, स्वेट्स के कारण ये चीचड़ उनमें आ जाते हैं। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जी हाँ, आज मैं एक लेके आया हूँ, नोटिक्स का पाउडर है ये, और ये एक बहुत ही बढ़िया पाउडर है और इसका रिजल्ट ही बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पाउडर हम कैसे यूज करें, और बच्चा है तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम आपको मैं बताऊंगी इस पाउडर को आप लोगों ने कैसे यूज करना है और आपको कहाँ मिल जाएगा ये पाउडर इजीली। तो टिक्स को आपको खींच के नहीं निकालना चाहिए, खींचने से क्या होता है, डॉग्स को एक तो पेन बहुत होता है और उधर एक घाव का निशान भी रह जाता है। तो आप टिक्स को आप खींच के कभी मत निकालिए, जैसे आपने हाथों से खींच लिया या प्लकर से खींच लिया, तो उससे डॉग्स को ना पेन बहुत ज्यादा होता है। और इसका आप इस्तेमाल करिए, इस पाउडर का, ये बहुत ही बढ़िया पाउडर है और रिजल्ट भी इसका काफी अच्छा है, मैंने खुद यूज किया हुआ है पपीज के ऊपर। कई बार क्या होता है, जो न्यू बॉर्न पपीज होते हैं उनको कहां से टिक्स आते हैं, उनकी मदर से टिक्स आ जाते हैं जब वो फीडिंग देती है मदर पपी की। तो हर पपी का नहीं होता, कई पपीज में हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है, पर हाँ घबराने वाली बात कभी कभार हो भी जाती है। अगर बहुत ज्यादा टिक्स हो गए आपके पपी को, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप बहुत केयरलेस हैं, तो इन केस पपी की लाइफ भी डेंजर हो जाती है, क्योंकि टिक्स के कारण उनको टिक फीवर भी आ जाता है। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन भी है, डॉक्टर्स के पास पूरा इलाज भी है टिक्स फीवर का भी, पर सुनने में आता है कई केस में कि उनका डॉग बच भी नहीं पाता। तो एक छोटी सी समस्या एक बड़ी समस्या में ना बदल जाए, तो आप अपने डॉग्स का ध्यान रखिए, केयरलेस ना रहे आप बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज कैसे करना है। आपको अपने पपी को एक हफ्ते में एक बार लगा के छोड़ दीजिए, आफ्टर बाथ जब आप पपी को बाथ देंगे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, टिक्स आने नहीं देगा उस आपके पपी पे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है आपको ये पाउडर। और पपी देखिए सो गया, इतने में हम इसको कोशिश करते हैं जगह पपी को, जाग रहे नीचे आके खोल के, है ना बच्चे। तो आपने क्या करना है, ये जैसे आपका पपी है, तो आपने जो पपी की स्किन है नीचे, स्किन पे अप्लाई करना है, आपने बालों पे अप्लाई नहीं करना है इस पाउडर को। जो स्किन दिखेगी ना, बाल हटा के आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अपने घर में एक एक बंदे की, तो आप बाल हटा के इसको अप्लाई करेंगे पाउडर को, और पूरा नीचे स्किन तक आप पूरा लगाएंगे पाउडर को। और हाँ, अगर टिक्स हैं तो टिक्स वाली जगह पे आप जरूर लगाइए, इनकी आंखों पे आपको बचा के रखना है पाउडर, ताकि आंखों में ना जाए पाउडर। और इनके पूरे पैर पे आपको लगाना है नीचे भी, यहाँ पर पैर के नीचे जो ये तलवे इनके होते हैं, यहाँ पे पाउडर लगाना है, और पूरा यहाँ पर भी स्टमक साइड में भी। हाँ जी बेटा, क्या जोर से बोलो ना, बेटा इनके लेग पैर होते हैं ना, पंजे होते हैं इनके, वो ब्लैक ही होते हैं। हाँ कुछ नहीं है, देखो 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 कितना प्यारा पपी है हमारा, है ना, कितना प्यारा पपी है हमारा, है ना, है ना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस पपी का टिक्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, अगर टिक्स नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पपी के ऊपर। और अगर थोड़े आपके पपीज के ज्यादा टिक्स हैं, मतलब सपोज लेट सपोज आपके 15-20 टिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं पपी पे, तो आप आफ्टर एवरी 3 डेज इसको अप्लाई करिए इस पाउडर को, और आप रिजल्ट देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका, और आपको टिक्स खींच के निकालने भी नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही गिर जाएंगे, और बहुत ही उनका रिलीफ भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। और टिक्स होने के कारण क्या होता है, कई बार ना पपी ना चिल्लाते हैं, रात रात चिल्लाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम
समझ भी नहीं आती कि ये क्यों चिल्ला रहा है, तो आप उसकी एक बार स्किन भी चेक करिए कहीं टिक्स की प्रॉब्लम से तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि टिक्स उसका खून, क्योंकि टिक्स क्या होता है इनका खून चूसते हैं, तो खून चूसेंगे तो वो इनको पेन बहुत करते हैं, तो इसलिए रात रात में या दिन में भी चीखते हैं और खारिश भी बहुत करते हैं। तो ये पाउडर बेस्ट है, आपको अल्टीमेट पाउडर ही आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं, नियर बाय योर पेट शॉप आप ले सकते हैं इसको, पपी पाउडर को। नॉटिक्स कंपनी का पाउडर है, नॉटिक्स के नाम से है, इसकी इमेज भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा साथ साथ और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा मैं आपको। और मेरे ख्याल मैंने आपको सब ऑलमोस्ट ऑल चीज बताई दी है कि इसको कैसे यूज करना है, तो आप इसको अपने पेट पे अप्लाई करिए पाउडर को, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है इसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और आगे शेयर भी करिए, और क्या पता कि आपके किसी फ्रेंड के काम भी आए हमारे वीडियो ये वाली। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।